लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस UGC का शुरू करने वाले हैं एक चैप्टर, उसका नाम है ICT फॉर लाइब्रेरीज बेसिक ऑफ ICT एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। कुछ लोग घबरा गए होंगे, हिंदी भी बोलूँगा, डोंट वरी। तो इसका जो टॉपिक है इसका नाम है ICT एंड फंक्शनल यूनिट्स। ICT से पूछे जाते हैं ढेर सारे सवाल, हम दे देंगे उसका जवाब क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को। इसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सेट कर लेना जरूरी है, इंट्रोडक्शन टू ICT इन लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी में ICT का क्या रोल है, ICT इन जर्नलिज्म, ICT इन अदर डिसिप्लिन, बट व्हाट इज़ द रोल ऑफ ICT इन द लाइब्रेरीज, उस पर हमें फोकस करना होगा। डेवलपमेंट्स इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर अलग है, कम्युनिकेशन अलग है, नेटवर्क अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, इन सबको जोड़ करके उसके डेवलपमेंट्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। नीड एंड पर्पज ऑफ ICT इन द लाइब्रेरी, ड्रेस्टिक चेंजेस अकर ड्यू टू ICT एंड इंटरनेट विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। तो ये चार गोल्स हैं कि ICT क्या है, डेवलपमेंट कैसे हुआ, नीड एंड पर्पज क्या है, और कैसे इसने महापरिवर्तन ला दिया। जो चचा लोग वो रजिस्टर्स में सारी चीज़ें भरा करा करते थे और कोहा आने के बाद पूरा उसने चेंज कर दिया। अब वो सिर्फ किताबों पे सफाई करते हैं, अगर उन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा तो रिजिड कर लेते हैं उसको। तो इसके बारे में तो लर्निंग आउटकम क्या क्या आने वाला है, तो ये दरअसल मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव सेट हो, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आने वाली है, एक स्ट्रक्चर्ड वे होगा। तो इसको पढ़ने के बाद क्या होगा, हम लोगों को जानकारी हो जाएगी बेसिक कॉन्सेप्ट, आप ICT के बारे में जानकारी हो जाएगी और इसके एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बारे में जानो और उसको अप्लाई कर देना, ठीक है, उस ज्ञान को किसी जगह पर लागू कर देना, अप्लाई कर देना, उसका उपयोग कर लेना, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। जैसे आपने गूगल मैप खोला और उसका जान लिया कि गूगल मैप क्या होता, फिर उसका यूज़ करके किसी जगह पे आप चले गए, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। वो इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ICT। अब देखो अगर आप ऐसे सिंपल सा सोचो, सिर्फ सोचो, तो देखो यार कितनी चीज़ आपको आती है। आप मोबाइल लेकर ही देख रहे होगे या लैपटॉप से देख रहे होगे, तो ICT का प्रयोग पहले ही से कर रहे हो, तो एप्लीकेशन है इस चीज़ का। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन है आपके स्क्रीन पे, मेरी आवाज़ है कम्युनिकेशन के रूप में और टेक्नोलॉजी के यूज़ से आप तक पहुंच रही है, ये हो गया इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरी चीज़ इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, एजुकेशन के क्षेत्र में इसका एप्लीकेशन हो रहा है अभी भी इसी समय, कुछ भी सर्च करना हुआ, ये जो EPG पाठशाला से मैंने इसको डाउनलोड किया है ये वहीं से मिला हुआ। फिर उसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि आप घर बैठे हो, सो रहे हो, बिस्तर के नीचे हो, रजाई के अंदर हो, छत पे हो, घूम रहे हो, किसी के साथ हो, तो भी आप इसका देख रहे हो। डिसएडवांटेजेस क्या है कि देखो अगर इस कोर्स को पढ़ाने के लिए ढेर सारे टीचर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, बट मैंने एक बार पढ़ाया और उसको डाल दिया, फिर दूसरे टीचर्स की ज़रूरत ही कम हो जाएगी, कम टीचर्स की ज़रूरत हो जाएगी, तो ये जॉब खा लेगी। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी सुपीरियर हो जाए और जो व्यक्ति है इन्फीरियर हो जाए, ये इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और भी ढेर सारे एडवांटेज जैसे हेल्थ इशूज़ हो सकते हैं, आंखें ख़राब हो सकती हैं बहुत ज़्यादा इसके यूज़ से, और रेडिएशन हो सकता है लोगों को, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे बड़ी तो जॉब के लेकर के डर है, कहीं हैक ना हो जाए पूरा सिस्टम, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एंड अब देखो ये सारी चीज़ें आपको पता है, यही चीज़ हम पढ़ेंगे, सिर्फ सोचो, आपको ढेर सारी चीज़ें पता है यार, सिर्फ लिंक करना है, ठीक है। सिर्फ एग्ज़ाम में आप घबराना मत, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सोचोगे और खुश रहोगे, तो आपको हर चीज़ पता रहेगा। कंपोनेंट्स ऑफ ICT, अब देखो कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, सिंपल सा सोचो, ICT मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, कम से कम दो, या अकेला भी व्यक्ति है तो मोनोलॉग करेगा तो उसमें भी कम से कम मान के दो लोग, चलो दो लोग हैं तो दो डिवाइसेज होंगे, दो डिवाइसेज होंगी मतलब टेक्नोलॉजी आ गया, तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए। अब नेटवर्क रहेगा तो नेटवर्क बनाने के लिए एक डिवाइस होना चाहिए, दो डिवाइस ये हो गया, तो वहाँ पे रोल आ जाता है कि उसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, उन नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी बाधाएं आएंगी, ये सब ICT के कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इस तरह से जस्ट सोचो, हो सकता है गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे ना चैप्टर, सिर्फ सोचने में क्या जा रहा है। कुछ लोग एकदम हताश और निराश होकर के भाग गए होंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस के साथ सुन रहे होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, देख लेना।
जो सोचेगा नहीं बहुत कुछ खो देगा। दूसरी चीज़ है ना, यू विल वुड लर्न टू एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बारे में कौन नहीं जानता, पहले बड़े बड़े से CRT कंप्यूटर हम सबने देखा ही है, फिर पतले वाले कंप्यूटर आ गए, उसको LCD LED वाले कंप्यूटर्स आ गए, फिर उसके बाद अभी तो एकदम बिल्कुल ग्लास के ऊपर ही उन्होंने कंप्यूटर बना दिया, लैपटॉप्स आ गए, पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स थे, ये तो हम लोगों ने देखा ही है। तो ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ कंप्यूटर्स का, पहले इतना बड़ा सा फ्लॉपी डिस्क लगाते थे, अब छोटा सा चिप, अभी तो चिप की जगह पे क्लाउड स्टोरेज हम लोग इस्तेमाल करने लगे। बस ऐसे ही पढ़ना है ना, ऐसे ही जनरेशन्स हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। साइज़ उसका क्या था, 5 बेस्ड अप साइज कंपोनेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ये 3 चीज़ों का, ठीक है, जनरेशन 5। एंड यू वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स फंक्शनल यूनिट इंक्लूड इनपुट आउटपुट CPU मेमोरी और मदरबोर्ड पार्ट्स। देखो इनपुट आउटपुट सारे जानते हो, ईयरफोन लगाते हो ना आप, इनपुट डिवाइस, प्रिंट करवाते हो आउटपुट डिवाइस, इसमें मोबाइल में कुछ आप लिखते हो जो अगर मोबाइल में पड़ा हुआ है और स्क्रीन पर दिखता है तो जो मोबाइल में अंदर जा रहा होता वो इनपुट हुआ, जो स्क्रीन पर दिखा आउटपुट हुआ, ठीक है, जो कीबोर्ड हुआ इनपुट डिवाइस होता है और जो डेस्कटॉप होता है वो आउटपुट, यही सब एकदम सिंपल सा है। किसी ने कभी CPU खोल के देखा होगा तो उसमें एक मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड कुछ खास नहीं होता, आपने देखा होगा जो बल्ब वगैरह होता है ना, बल्ब जब तोड़ो, वो LED बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ, पता चले वो शीशे वाला बल्ब तोड़ दिए तो उसमें फिलामेंट निकलेगा, बट LED वाला तोड़ोगे तो उसमें ढेर सारे, एक पतली सी चिप टाइप होगी और उस पर ढेर सारे पथ बने होते हैं, ढेर सारे चिन्ह बने होते हैं और उसके बाद ढेर सारे उसमें चीज़ें लगी होती हैं। तो ऐसे ही बड़ा सा मदरबोर्ड होता है CPU में, ठीक है, आप चेक कर लेना मदरबोर्ड, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चेक कर लेना गूगल में मदरबोर्ड के बारे में, पता चल जाएगा। I am so sorry। तो खांसी थोड़ी सी आ सकती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉड्यूल क्या होगा इसका, एक तो सबसे पहले हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, कौन से जनरेशन है, 5 जनरेशन हम लोगों को पढ़ना है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है, तो ये जनरेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो पहले जनरेशन में सोचो, अभी हम अगर 5वां जनरेशन लास्ट है तो यानी अभी चल रहा होगा, हम लोग उल्टे से चलेंगे, ठीक है, सोचो पतला दुबला जो अभी आया है कंप्यूटर, इससे पहला का कंप्यूटर बड़ा था CRT, सोचो इससे पहले वाला जो कंप्यूटर होगा और बड़ा होगा। अब ये बताओ कि ये जो पतली सी कंप्यूटर आ रही है, इससे पहले जो मोटी सी कंप्यूटर थी या कम मोटा सा कंप्यूटर था, तो उसमें क्या अंतर रहा होगा, यही अंतर रहा होगा कि उसमें बड़े से हार्ड डिस्क लगाए रहोंगे, इसमें छोटा सा हार्ड डिस्क आ गया होगा, यही अंतर होगा कि उसमें CRT अलग, CPU अलग, सब कुछ अलग अलग लगाते थे, इसको सारा एक में जोड़ दिए, अभी तो एकदम छोटा सा किताब कि जितना बड़ा CPU आने लगा, एक जो छोटी सी किताब होती है उतना मोटा, तो इस तरह से इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। देखो यार, अगर ये अगर आप सिलेबस डिकोड नहीं कर सकते ना, तो कभी भी आप किसी चीज़ में किसी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाओगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण होता है, कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। तो देखो यार, कई कंप्यूटर्स होते हैं, जब मुझे अभी लैपटॉप ख़रीदना था तब भी मैंने देखा कि लैपटॉप्स के भी कई वैरायटीज़ हैं। एक तो अगर डिज़ाइनिंग किसी को करना है तो अलग तरह का लैपटॉप आ रहा है, तो ऐसे ही ना जो वेदर वगैरह की जानकारी लेते हैं वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो रिसर्च लाइब्रेरी में कंप्यूटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो जनरल पब्लिक बच्चे जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्कूल के लाइब्रेरियन बनते हो तो पता चले तुमने वो सुपर कंप्यूटर मंगा लिया लाइब्रेरी में, सारा बजट उसी में ख़त्म हो गया, तो ये भी इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर के यहाँ पे 3 टाइप्स इन्होंने बता दिए, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग के बारे में आप जानते हो, जो भौतिक दशाओं पे काम करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब चीज़ों पे, इसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल मतलब 2 डिजिट पे, जो डिजिट पे काम कर रहा हो, बाइनरी डिजिट जैसे हो गए 0-1 के ऊपर, उसको बोलते हैं डिजिटल, ठीक है। अगला हाइब्रिड, जो एनालॉग भी हो और डिजिटल भी हो, वो हाइब्रिड कंप्यूटर हो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के आधार पे कुछ जो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं वो इसमें माइक्रो, मिनी, सुपर, मेन फ्रेम, मैक्सी और सुपर कंप्यूटर। देखो ये जो कंप्यूटर्स हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर छत जितना बड़ा होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सिंपल दिखता है, जैसा आपका कंप्यूटर है वैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे फ़ोन हो गया, ठीक है, एप्पल का भी फ़ोन सेम सा दिखता है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, और ये जो आप रेडमी वगैरह का खरीदते हो वो भी फ़ोन सेम सा दिखता है, काम दोनों में सेम होता है, लेकिन
कुछ ऐसे काम होते हैं जिसके लिए महंगे कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, उसकी कैपेसिटी पावर ज़्यादा होती है, जैसे उसका रैम ज़्यादा हो गया, पता चले 64 GB रैम है और 3-4 TB उसका रोम है और उसका जो प्रोसेसर है वो RTX मतलब 3050 से भी बहुत ज़्यादा है, 6100 इस तरह से। तो ऐसे जो कंप्यूटर्स है ना, उसका प्रोसेसर अच्छा, रैम अच्छा, रोम अच्छा है, तो उसमें बड़े अच्छे और उसका जो ग्राफिक्स है वो अच्छा, वो सब में ज़्यादा हम काम कर सकते हैं, तो उसी में जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जैसे हम लोग PC यूज़ करते हैं, मिनी कंप्यूटर तो कुछ जो बैंक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, सुपर मिनी कंप्यूटर्स जो इस तरह के ऑफिसेज में जहाँ पे सर्वर बोलते हैं, सर्वर की तरह छोटे सर्वर जो यूज़ होते हैं, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर उसको बोलते हैं, ठीक है, जो उससे थोड़े से हैवी होते हैं, और सुपर कंप्यूटर उसको बोलते हैं जो हेड सर्वर में होते हैं, जैसे कई बैंक्स उसके अंदर आ गए तो उसका रीजनल ऑफिस वगैरह में जो लगाया जाता है मॉनिटरिंग के लिए, उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन मोड ऑफ़ यूज़, अब देखो यूज़ के आधार पे, अब देखो ये सारी चीज़ें आपको पता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पता है तो नया जान लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर कोई ऐसा हो जिसको नहीं पता तो फिर से जान लेगा। अब देखो ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, डेली लाइफ में भी यूज़ होगा, जब आप ख़रीदने जाओगे PCs, एक दिन मैं एक वीडियो बना दूंगा कि लैपटॉप में जब आप ख़रीदने जाओ तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, या मोबाइल ख़रीदने जाओ तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा ये जो नॉलेज है कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉम टॉप हो गया, PC लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए, वर्क स्टेशंस के हो गए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम, पैरेलल कंप्यूटर्स वगैरह आपने देखा होगा जो लाइब्रेरीज़ में होती हैं, उसमें एक साथ कई कंप्यूटर्स जोड़ दिए जाते हैं, या वो साइबर कैप पे हो गया, या ऐसे स्कूल्स में होगा आपने देखा होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लो कि कई फ्लोर्स पे ऑफिस हैं और वो इस तरह से कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट हैं कई जगहों पे और वो आपस में जुड़े हुए हैं। वर्क स्टेशंस हो गए कि कई वर्क स्टेशन से उसके जुड़े हुए हैं, तो लैन मैन बैन का मैंने बताया था ना, अब कंप्यूटर्स इतने होंगे तो जोड़ने का भी होगा, तो ये भैया फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। देखो ये सब इतनी सिंपल चीज़ है ना, तुम्हें जानना ही चाहिए, अगर नहीं जान रहे हो आप तो फिर टेक्नोलॉजी भी मत जानो, फिर रोटी सब्जी खाओ और प्रभु के गुड़ गाओ और फिर मोबाइल वोबाइल रख दो, कबूतर पालो और चिट्ठी भेजो। ये मजाक के लिए था क्योंकि आप एक टेक्निकल व्यक्ति हो, और ऐसा भी नहीं है कि मदरबोर्ड कोई साइंटिस्ट आकर के समझाएगा आपको, सिंपल सा है मदरबोर्ड, आप उसका इमेज देख लेना, ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा अगर टाइम मिला तो। ड्राइवर्स उसमें होते हैं, जैसे देखो जैसे कुछ भी हमें सेव करना होता ना, तो सेव करने के लिए स्टोरेज की ज़रूरत है, तो ये हार्ड डिस्क होता है स्टोरेज के लिए होता है, और ये CD/DVD/USB फ्लैश, ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। पेरिफेरल्स में क्या होते हैं, जो पेरिफेरल जो वर्ड होता है ना उसको बोलते हैं, जैसे मान लो मैं सेंटर में हूँ, मेरे चारों ओर कुछ चीज़ें जो घट रही हैं उसको पेरिफेरी बोलते हैं, मान लो एक सेंटर है उसके चारों ओर जो सर्कल होता है उसको पेरिफेरी बोलते हैं, ठीक है, तो उसके मतलब कंप्यूटर के चारों ओर क्या क्या चीज़ें घूमती रहती हैं, कंप्यूटर के चारों ओर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मॉडेम, स्कैनर, कार्ड्स, ये सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। इसमें कई चीज़ें आपको नहीं पता होगा तो घबराना मत। हार्डवेयर सेक्शन, यार बताओ अब तक तो मैं पूरा आपको पढ़ा दिया होता, बट इसी में अगर हमारा इतना टाइम जा रहा, बट आपको मज़ा आएगा पूरा वो पढ़ने में, धैर्य बना के रखना, ठीक है। हार्डवेयर सेक्शन में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट, ये हार्डवेयर के सेक्शन में है, समझ गए। पेरिफेरल में क्या हो गया, ये इतनी चीज़ें आ गई, हार्डवेयर के सेक्शन में ये दो तीन चीज़ें आ गई, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और प्रोसेसर। प्रोसेसर का भी तीन भाग है, ओन न्यूमैन आर्किटेक्चर अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से एक डेटा इनपुट से गुजरते हुए और आउटपुट में कैसे पहुंचता है। तो एक भाई साहब हुए, उनका नाम था ओन न्यूमैन उनका नाम था, और उन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया था, तो उसको मैं बता दूंगा। तो इसमें ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको CU बोलते हैं, LU, LU मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो ये प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। नीड एंड पर्पज़ ऑफ ICT इन द लाइब्रेरीज़, लाइब्रेरी में क्या इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन मैनेजमेंट, कलेक्शन क्या क्या होता है, कलेक्शन मतलब कि चीज़ों को कलेक्ट करना, क्या क्या कलेक्ट करते हैं, कूड़ा कचरा तो कलेक्ट नहीं करते हैं, हालांकि कुछ लोग करते भी हैं क्योंकि उसमें, चलो छोड़ो, एक तो बुक्स कलेक्ट करते हैं, मैगजीन्स आता है, पीरियडिकल्स आता है, न्यूज़पेपर्स आता है,
तो उसका मैनेजमेंट ये लोग कैसे करेंगे, प्लस अभी ई रिसोर्सेज भी आ रही हैं तो उसका मैनेजमेंट में आईसीटी का यूज़ हो रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दो चीज़ें आएँ, प्रोसेसिंग प्लस रिट्रीवल। प्रोसेसिंग आपके पास सूचना आई, उसको किस तरीके से प्रोसेस करोगे, रिपोजिटरी में कैसे रखोगे, कैसे क्लासिफाइड करोगे, उसके बाद जब किसी को ज़रूरत पड़े तो तुरंत मिल जाए तो कौन कौन से आप कीवर्ड्स डालोगे। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल दोनों चीज़ होनी चाहिए। आगे है इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के रूप में जब आप इन्फॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो उसमें भी आईसीटी का यूज़ होगा। कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, एक तो करेंट अफेयर अवेयरनेस सर्विसेज हो गई या और सेलेक्टिव डिसमिनेशन सर्विसेज हो गई या कुछ इस तरीके से, जो भी सर्विसेज आप यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हो वो सारी सर्विसेज में आईसीटी का किस तरह से यूज़ हो रहा है, फिर उसका समरी और रेफरेंस कहाँ कहाँ से लिए गए, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो जितने भी लोगों ने इतना ध्यान से सुना होगा उनको बहुत कुछ क्लियर हो गया। सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं चाहता हूँ आपको सोचने पर मजबूर करूँ, इसीलिए मैंने इतना डिस्कस किया। अब मेरे लिए तो बहुत सिंपल था, सीधा पेज खोलता और आगे बढ़ जाता, बट फिर वही पेरिफेरल नॉलेज होती, फिर यार बार बार एक ही चीज़ को पढ़ते रहो। तो देखो इंट्रोडक्शन में ये बता रहे हैं कि लास्ट 3 डिकेड से काफ़ी ज़्यादा इसमें चेंज हुआ है आईसीटी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये वाला पीडीएफ मैं ट्राई करूँगा अपलोड कर दूँ वहाँ पे मेरे टेलीग्राम वाले लिंक पे, मैं कोशिश करूँगा टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँ पिछले वीडियो में मैं भूल गया था, सॉरी। तो सबसे पहला हम लोगों ने बोला था ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, तो 5 जनरेशन में सबसे पहला देखो, द कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स। ये देखो वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया कंप्यूटर में, ठीक है। और उसके बाद इसको बोलते हैं 1st जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। और मैंने अभी इसको एरोप्लेन मोड पे डाला हुआ है क्योंकि किसी का कॉल वॉल ना आए, वरना पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है एक कॉल से। तो वैक्यूम ट्यूब का पहले यूज़ किया गया, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि इसको ऑन करके और इसको एक साथ कर देता हूँ, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब।